नमस्कार, प्रणाम। और वादे के मुताबिक फिर से मैं अपने साथ में प्रयागराज के एक महान कलाकार आशुतोष श्रीवास्तव सर को लेकर आ गया हूँ लाइव सेशन में। सर, स्वागत है। स्वागत है सभी का, दर्शकों का भी। और जैसे कि हम लोग हर शनिवार पहले बताते हैं सबको कि हम लोगों के इस कार्यक्रम की जो है कैसे हम लोग इसको करते हैं जी। और किसी न किसी एक विशेष को जो है हम लोग लेके आते हैं, उनकी पसंद के 5 नगमे मैं सुनाता हूँ, मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। नहीं सर, आप सुनाते और हैं और बहुत बेहतरीन सुनाते हैं। और आज हमारे साथ हैं फरीदाबाद से जी। बहुत वरिष्ठ जो है लेखक हैं हमारे साथ में, रंजीत सिंह आफताब जी। जी सर, मैं तो सर इस टाइटल पे फिदा हो गया कि आफताब नाम में ही लगा हुआ ये है। तखल्लुस है उनका जी। इसको टाइटल बोलते हैं, तखल्लुस उन्होंने ले लिया है आफताब। रंजीत सिंह जी हैं, फरीदाबाद से हैं। और अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो वो हमें रिक्वेस्ट भेजें, हम उनको स्क्रीन पे ले आएं। जी रंजीत सर, आपका तहे दिल से स्वागत है इस शो में। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ जाएं जल्द से जल्द, ताकि ये जो मज़ा है ना और भी दुगना हो जाए। और सर, आपके नाम की तरह ना इस शो का जो आफ्ताब है ना सर, उसमें 4 चांद और भी लग जाए। सही बात है। और तब तक फॉर्मेट एक बार आप फिर से बता दो। सर रिक्वेस्ट आ गई है, सर आ गए हैं, क्या बात है। मैंने एक्सेप्ट लिया है जी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है बस। कोई बात नहीं, तब तक सचिन आप फॉर्मेट बता दीजिए। जी सर, मैं फॉर्मेट बता देता हूँ कि आप सभी दर्शक जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आपके वो सभी मेंबर्स जो आपके सर्कल के हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के हैं या आपके फैमिली के हैं, उन तक भी ये कार्यक्रम पहुंचे। उसके लिए आपको बस अपने 5 नामों की लिस्ट के साथ आपको भेजना है। नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार साहब जी। देखिए, आज आशुतोष जी ने एक नई चीज निकाली है, बहुत अच्छा लगा। लोग बाग अपना लाइव प्रोग्राम देते हैं, गाते हैं और अपना लाइव प्रोग्राम देते हैं और अपनी मर्जी से गजलें गाते हैं, गीत गाते हैं। लेकिन आशुतोष जी ने एक नई चीज एक निकाली है कि वो खुद अपनी पसंद के नहीं गा रहे, वो लोगों से ले रहे हैं कि आप अपनी पसंद के हमें 5 गाने दीजिए, वो मैं गाऊंगा। तो एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं आशुतोष जी, इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है। आशीर्वाद बनाए रखिए। और एक फॉर्मेट सोचा है, वो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, देखते हैं कहाँ तक जाती है ये बात। हाँ जी, दूर तलक जाएगी, बिल्कुल जाएगी दूर तलक। सर मैं ताजू मान, आप सर शो में आए और पहले दिन में सर आपने वो खास बात बता दी जिस पे अभी तक लोगों का ध्यान नहीं गया। नहीं, वो जरूरी है सर, वो बहुत जरूरी थी ये बात बतानी। जी 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 जी। तो और शुरू पहला, आप कौन सा गीत गा रहे हैं साहब, कौन सा गाना गा रहे हैं मेरा? ये मतलब एक मैसेज भी है लोगों के लिए है कि उम्र का कोई पड़ाव नहीं होता है, जब से शुरुआत किया जाए इच्छा जो है जिंदा दिली रहनी चाहिए। मेरे रश के कमर और मनोज मुंतशिर साहब ने लिखी है इसको, और संगीत बागची जी का है, पृथ्वीराज फिल्म से है ये। ठीक है, शुरुआत कीजिए सर जी। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, आग ऐसी लगाई मजा आ गया।
जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, चांदनी मुस्कुराई मजा गया, चांदनी मुस्कुराई मजा गया, चांद के साए में ऐ मेरे साथिया, चांद के साए में ऐ मेरे साथिया, तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया, तूने ऐसी पिलाई मजा आ गया, मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, बज्म रिंदों में सागर खनकने लगा, बज्म रिंदों में सागर खनकने लगा, मैं कदे पे बरसने लगी मस्तियाँ, मैं कदे पे बरसने लगी मस्तियाँ, जब घटा घिर के छाई मजा आ गया, जब घटा घिर के छाई मजा आ गया, मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, मेरे रश के कमल तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, बर्फ सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। बहुत खूब साहब, बहुत अच्छे। देखिए अब आपके साथ लाइव पे आया हूँ, शायर हूँ तो कुछ तो कहूंगा ही अपना, कुछ तो कहूंगा, तो कुछ चंद लाइनें कह रहा हूँ कि आज एक हसीन से मुलाकात हो गई। क्या बात? आज एक हसीन से मुलाकात हो गई, कुछ देर ही सही कुछ बात हो गई, कुछ देर ही सही कुछ बात हो गई, और देखिए कि तन्हाइयों के जाल में जकड़े हुए थे हम, तन्हाइयों के जाल में जकड़े हुए थे हम, अनजाने एक दर्द को पकड़े हुए थे हम, अनजाने एक दर्द को पकड़े हुए थे हम, अरे गांठे तमाम खुल गईं, गांठे तमाम खुल गईं, और खुल गया नसीब, निकला शरद का चंद्रमा और रात हो गई, निकला शरद का चंद्रमा और रात हो गई, आज एक हसीन से मुलाकात हो गई। क्या बात सर, सर नाम क्या है, आफताब कैसे लगा, आफताब कैसे लगा। शुक्रिया साहब, सीखना है आपसे हम लोगों को। जी दूसरा दूसरा गाना कौन सा गाना? गानों का जो सिलेक्शन है सर, ग्रीन गानों का किया है। सर आपने जिन गानों को चुना है वो एक से एक लाजवाब है। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया शुक्रिया तहे दिल से। और सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आज की इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, और आज हमारे साथ फरीदाबाद से रंजीत सिंह आफताब जी हैं, और सभी लोगों से गुजारिश है कि एक बार सर का थैंक्स मैसेज लिख के जरूर करें, और मुझे लगता है आज की शाम जो है बहुत रंगीन होने वाली है। बिल्कुल सर, मैं अभी सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज सर हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं रंजीत सिंह आफताब जी, तो मैं चाहूंगा कि इस लाइव सेशन को दूर तक पहुंचाएं, उसके लिए आपके स्क्रीन के नीचे लेफ्ट साइड में एक शेयर का बटन होगा, उस पर क्लिक करके सभी जगह शेयर कर दीजिए, और अभी आप शेयर कर देंगे तो अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ में जुड़ जाएंगे। सर चलते हैं अगले गाने। तो सर अगला गाना आपने जो पसंद का भेजा था
वो सूरज फिल्म से था, शंकर जयकिशन की कंपोजिशन है और हसरत जयपुरी साहब ने इस गाने को लिखा था, मोहम्मद रफी साहब ने गाया था। जी बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागिनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। लगाई गोरे हाथों में, उतरला घटा काज लगाई प्यारी आंखों में। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अवतान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिल पर है चला जाए ना शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवा कलियों ने अब ये सोज उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन गुत मोहब्बत की। बजाओ रंग बिखराओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागिनी गाओ मेरा महबूब
गाया है, मेरा महबूब गाया है। बहारों पर साहु मेरा महबूब गाया है, मेरा महबूब गाया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, पहले जमाने में शायर क्या खूबसूरती से लिखा करते थे जी। और ये गाना देखिए, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। आज भी शादियों में, बारातों में बैंड बाजे वाले आज भी बजा रहे हैं। देखिए, इसके बिना अधूरा रहे। पुराना गाना लिखा है, कितना पुराना गाना लिखा हुआ है साहब। और हसरत जयपुरी साहब तो एक रोमांटिक शायर थे अपने समय के, जितने भी गाने हैं उनके अधिकतर रोमांटिक वे में लिखे हुए हैं जी। बहुत गजब के शायर थे, बहुत गजब के शायर। जैसे एक गाना था उनका, 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, ये भी हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ है। आज भी है, कल भी है, कल भी रहेगा। तो बात करती थी, पहले मेहनत करते थे साहब। हाँ जी, कहिए सर। सवाल ये है कि सर, जिस हिसाब से आपने गानों की फरमाइश भेजी सर, मुझे लगता है आप भी सर रोमांटिक शायरी सबसे ज्यादा लिखते थे। ना भाई, वो ये तो मूड की बात है भाई। हमारे तो शायर है, मूड है, जैसा मूड बन गया वैसा लिख दिया भाई। वीडियो सेशन में जुड़ने के लिए मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि आप सब भी लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। जैसे कि आज सर हमारे साथ हैं, हमारा सौभाग्य है। तो इसके लिए बस आपको अपने 5 नगमों की लिस्ट और साथ में अपना छोटा सा बेसिक डिटेल हमें कमेंट करके या फिर मैसेज बॉक्स के थ्रू आप भेज सकते हैं, और अगले सैटरडे को हो सकता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबका एक बार नाम आप बोल दो जी सर। मेरे साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? एज यूजुअल सबसे पहले श्वेता मैम और गोपाल बोस दादा हमारे साथ जुड़े हैं। दादा, उसके बाद सर सुकुमार सरखेल सर हैं, सारे सुपर टैलेंटेड लोगों को मेरा प्रणाम लिख रहे हैं। थैंक यू सुकुमार। उसके बाद सर प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार छोटे भाई, जय हो। थैंक यू। और राकेश कुमार चक्रवर्ती जी, बहुत सुंदर गुरु जी। थैंक यू। अशोक कुमार श्रीवास्तव जी हैं जो लिख रहे हैं, सो नाइस आशुतोष जी, बहुत ही सुंदर गाया आपने। अरे बहुत बहुत आभार। ये बात तो आपने सर बिल्कुल सही कहा कि सर बहुत सुंदर गाते हैं। कोशिश कर लेता हूँ थोड़ी बहुत गाने की। अरे साहब, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती भाई। बस बहुत गाइए साहब। और सबसे रिक्वेस्ट है, इस लाइव सेशन को शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लाइव सेशन पहुंचे। सर एक बार मैं चाहूंगा आप भी बोल दे लोगों से कि इस लाइव सेशन को शेयर कर दिया जाए। आप सबसे, जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जितना आप इसे शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा, लोगों तक बात पहुंचेगी और बात से बात बनती है। ओम श्री। सर आपने कह दिया, ये सर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज भी है साहब। आपके साथ जुड़ा हूँ तो अपना फर्ज भी निभाऊंगा। सर आज हम बता नहीं सकते कि इतनी खुशी हो रही है आपके साथ लाइव सेशन में जुड़ के। और जिस दिन से आपने मुझे अपने जो है फरमाइश भेजी थी, उस दिन से मैं बड़ा बेकरार था कि ये पल जल्दी से जल्दी आए जी। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया साहब। और आइए अगली पेशकश है। गोपाल दास नीरज जी ने इस नगमे को लिखा है और गैम्बलर फिल्म से है। अच्छा। और एस डी बर्मन साहब का संगीत है। गोपाल दास नीरज जी मेरे कवि गुरु रहे हैं साहब, उनको नमन करता हूँ। मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा प्यासा, पूरी कब होगी
आशा मेरा मन तेरा प्यासा मेरा मन तेरा जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा अब तो ना तोड़ो आशा मेरा मन तेरा प्यारा मेरा मन तेरा जिंदगी है मेरी एक दांव तू है हार जीत मेरी जिंदगी है मेरी एक दांव तू है हार जीत मेरी ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी कितनी है बोली आशा मेरा मन तेरा प्यासा मेरा मन तेरा पूरी कब होगी आशा मेरा मन तेरा प्यासा मेरा मन तेरा पता नहीं कौन हूँ मैं क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना अपनी वो कहानी जो मन जाना होके बन गई है फसाना पता नहीं कौन हूँ मैं क्या हूँ और कहाँ मुझे जाना अपनी वो कहानी जो अनजानी होके बन गई है फसाना जीवन क्या है तमाशा मेरा मन तेरा प्यासा मेरा मन तेरा पूरी कब होगी आशा मेरा मन तेरा प्यासा मेरा मन तेरा वाह 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया साहब बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत अच्छे थैंक यू सर सर आप क्या बात है उन गानों को सुन पा रहे हैं जिन गानों को हमने कभी नहीं सुना अरे साहब क्या बात है अगला गाना कौन सा ले रहे हैं सर
अगला गाना है पत्थर के सनम। दो लाइन बोल रहे हैं ये पत्थर के सनम फिल्म से ही गाना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसको मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत बद किया है और इसे मनोज कुमार जी के ऊपर फिल्म आया गया है जी जी पत्थर के सनम। इसके लिए दो लाइन बोल रहा हूँ मेरे साथ हमारे एक साथ में बैठे है ये मेरा सौभाग्य साथ बैठ पा रहा है। सुनिए हमारे इश्क को सुनिएगा सा आशुतोष जी। मैं आज सुबह से फीवर में हूँ, मुझे बुखार है आज, लेकिन हाँ अभी दवाई लेके आपके साथ बैठा हुआ हूँ मैं। अरे क्या बात है, पहले से प्रोग्राम फिक्स था तो मैंने दवाई ली, मैंने कहा भाई बैठू मैं जरूर। तो दो लाइन गाने के लिए सुनिए पत्थर के सनम के हमारे इश्क को, हमारे इश्क को हल्का ना कीजिए, हमारे इश्क को हल्का ना कीजिए, गरूर हिस्न का इतना ना कीजिए, गरूर हिस्न का इतना ना कीजिए, हमारे इश्क को हल्का ना कीजिए। अब पत्थर के सनम गाइए आप। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना, बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना, पत्थर के सनम चेहरा तेरा दिल में लिए चलते चले अंगारों पे, चेहरा तेरा दिल में लिए चलते चले अंगारों में, तू हो कहीं सजदे किए हमने तेरे रुखसारों पे, हम साना हो कोई दीवाना, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का दामाना, बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना, पत्थर के सनम सोचा न था बढ़ जाएगी तन्हाइयां जब रातों की सजता हमें, सोचा न था बढ़ जाएगी तन्हाइयां जब रातों की रसता हमें, दिखलाएगी शम्माए पाइन आँखों में ठोकर लगी, फिर पहचाना पत्थर के सनम तुझे हमने
मोहब्बत का दामाना बड़ी भूल हुई, अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना, पत्थर के सनम के होती खबर, तूने किसे ठुकराया है शीशा नहीं, ऐ काश के होती खबर, तूने किसे ठुकराया है शीशा नहीं, सागर नहीं मंदिर सा एक दिल ढाया है सारा आसमान, है वीराना पत्थर के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना बड़ी भूल हुई, अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, क्या अदायगी है, वाह वाह वाह, क्या अदायगी है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गाने बस आपके लिए ही बने थे। अरे क्या बात है सर, क्या है, अभी एक गाना और होगा मेरे ख्याल से, अभी एक और होगा। जी सर, जी है, जी, है, जी एक और है, एक और है ना। चलो मैं ये जानना चाहूंगा सर, आपके नाम क्या है सर, आफ्ताब कैसे लग गया? ये तखल्लुस है साहब, हमारा उपनाम होता है उर्दू में, इसको कहते हैं तखल्लुस रखना, और जैसे और लोगों के नाम है मजरूह है, वो भी एक तखल्लुस है, मजरूह सुल्तानी, बेकल उत्साही, ये बेकल ये सब तखल्लुस होते हैं। तो मेरे जो उस्ताद थे, मेरे उस्ताद थे सरदार कंवर महेंद्र बेदी सहर साहब, बहुत मशहूर शायर थे अपने ज़माने के, और उनके ताल्लुकात आपके जवाहरलाल नेहरू जी से और बड़े बड़े लोगों से, वो बहुत बड़े ज़मींदार थे, उन्होंने फिल्म बनाई थी नानक नाम जहाज है करके, सरदार थे तो उन्होंने फिल्म बनाई थी, तो वो उन्होंने मेरे को ये तखल्लुस दिया था, मेरे उस्ताद ने दिया है ये आफ्ताब, और वो मैंने रख लिया साहब, मेरे उस्ताद की देन है, वही मैंने आज तक चल रहा है, आज तक बरकरार है सर बिल्कुल। उस ऊपर वाले का करम है, नवाजिश है उसकी, क्या कह सकता हूँ। तो इस गाने के लिए दो दो शेर बोलता हूँ मैं आप। जी जी बिल्कुल। तो गाइएगा कि दिल के हालात बताऊं कैसे, दिल के हालात बताऊं कैसे, जो छुपाऊं तो छुपाऊं कैसे, दिल के हालात बताऊं कैसे, जो छुपाऊं तो छुपाऊं कैसे, अरे दिले बेताब की रौनक है वो, दिले बेताब की रौनक है वो, दिल को मैं चीर दिखाऊं कैसे, दिल को मैं चीर दिखाऊं कैसे। और एक और शेर इसका है कि हम नफस है, हम नफस है वो दमे आखिर तक, हम नफस है यानी कि मेरी धड़कन है, हम नफस है दमे आखिर तक, अरे चंद सांसों में गिनाऊं कैसे, चंद सांसों में, चंद सांसों में गिनाऊं कैसे, हम नफस है वो दमे आखिर तक, चंद सांसों में गिनाऊं कैसे, दिल के हालात बताऊं कैसे। शुक्रिया साहब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और अब आखिरी आखिरी नजराना आपकी तरफ से। जी सर, आखिरी बट आज का आखिरी केवल। हाँ, सर आज बिल्कुल कई लोग सिलसिला बहुत लंबा चलेगा साहब, बहुत लंबा चलेगा सिलसिला जो है, बस ऐसे ही। मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक गुजारिश है, चलिए वो मैं आपको बाद में फोन करके बताऊंगा, आपको बाद में फोन करके बताऊंगा। अच्छा ठीक है, ठीक
सर आज हमारे साथ राजीव श्रीवास्तव जी हैं जो लिख रहे हैं, वाह। ऋषभ शुक्ला जी हैं जो कह रहे हैं सर आप सर गाते ही नहीं सबकी सुनते भी हैं, क्या बात है। और नोएल बर्नर्ड मोंट्रोस जी हैं जो कि कह रहे हैं ग्रेट सॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। अरे थैंक यू सर। और ये बहुत बड़े जो है संगीतकार भी हैं और आपके बेटे ने जो है संजू फिल्म में पूरा म्यूजिक दिया है। अरे वाह, क्या उनके लिए बहुत ही मतलब गर्व की बात है सर। इनको लाइव सेशन में लेकर आना चाहिए हम लोग जी, जी। और सर नीलम श्रीवास्तव जी हैं जो लिख रहे हैं वाह वाह बेहद खूबसूरत गीत, थैंक यू। रंजना श्रीवास्तव जी हैं जो लिख रहे हैं वाह बहुत सुंदर। अचिंत्या रंजन मिश्रा जी हैं जो कि सर प्रणाम कर रहे हैं आपको, थैंक यू अचिंत्य जी। और सर डैडी जी भी हैं जो लिख रहे हैं वाह वाह बहुत सुंदर, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और सर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए, जी जी जी, लेकिन सर हम चलते हैं अगले गाने। चलिए और आखिरी पेशकश है और साहिर लुधियानवी जी की लिखी हुई ये है, जयदेव जी का संगीत है और गाने के बोल है सर, मूड भी गंभीर बन रहा है। चलिए अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल कभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल बहल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूट पी तो लूं, नशे के घूट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, पुराना मानो बात का ये प्यार है गिला नहीं, अभी ना जाओ ये दिल अभी भरा नहीं। अधूरिया अधूरिया सी छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी, जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में, कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे, पुराना मानो बात का ये प्यार है गिला नहीं, यही कहोगे तुम जरा के दिल अभी नहीं भरा, दिल अभी नहीं भरा,
नहीं 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 भरा अभी ना जाओ ये दिल अभी भरा नहीं। बात सर सही में दिल नहीं भर रहा है सर गाने सुन के, और इसके अलावा तो मैं मतलब क्या ही कहूँ कि गाना भी अपने आप में लाजवाब है, और सर मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और ये गाना सुन पा रहा हूँ सामने से। सबसे ज्यादा तो रंजीत सिंह जी का आभार है कि उन्होंने ऐसे ऐसे नगमों की आज पेशकश किया था, और लाइए एक बार मैं भी सबका जो है जी। और अभी सर गुजरात तक खबर पहुंच गई है, अच्छा, गुजरात अच्छा। से भी सुजीत सिंह जी जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं जी। प्रिया राय राजपूत जी थैंक यू, और अशोक कुमार श्रीवास्तव जी लिखते हैं अभी ना जाओ छोड़कर, लेकिन चार गाने सुनाने के बाद खुद चले जाएंगे, अगला कब आएंगे? मैं बता देता हूँ अगले सैटरडे को फिर शाम को 6 बजे हम आएंगे जी, और ये वादा भी है सर वादे के साथ बिल्कुल है। और हमारे पास 5-6 लोगों की लिस्ट आ चुकी है। अरे बाप रे, मतलब अच्छा संकेत है कि हमारे पास एडवांस बुकिंग चल रही है जी बिल्कुल। अच्छा सर एक रिक्वेस्ट जो हमारे पास लगातार आ रही जी, है जी, मैं देख ले रहा हूँ उसको क्या है। अच्छा सर दोबारा से आ गए हैं सर साथ में जी जी, और सर जो लोग रिक्वेस्ट तब से भेज रहे हैं मैं उन्हें बताना चाहूंगा फॉर्मेट एक बार शो का जी, कि आप सबके पसंद के 5 नगमे सर अपनी आवाज में सैटरडे को गाकर सुनाते हैं, उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी बिल्कुल, आपको टेक्स्ट भेजना है या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, बहुत अच्छा गाया अभी ना जाओ छोड़कर, मैं तो कह रहा हूँ अभी भी मत जाओ छोड़कर भाई अभी भी चलता रहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है साहब, और आपने मेरे को अपने प्रोग्राम में दावत दी इसका भी बड़ा बड़ा शुक्रिया साहब, मेरे को बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं है, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा जो है हमारे साथ जुड़े हैं सर। आप आदेश करें आपको सर सेशन में हर बार। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज के लिए बस क्या करूं, मैं आज मैं फीवर में था तो फीवर में आकर के बैठा, तो नहीं तो मैं भी साथ में कुछ और सुनाता रहता आपको तो सुनाएंगे बैठेंगे तो फिर बैठेंगे सर, मैं भी आपसे मिलना चाहूंगा जरूर साहब जरूर जरूर, कभी अगर हम लोगों का इधर दिल्ली साइड में या फरीदाबाद साइड में आना हुआ तो आपसे जरूर संपर्क में हम लोग रहेंगे। अरे बिल्कुल आइएगा, स्वागत 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 है सब। और हमारे साथ और भी लोग जुड़ चुके हैं, मैं जितेंद्र कुमार सिंह जी जो है जुड़ी हुई है जुड़े हुए हैं, श्वेता जी जुड़ी हैं, राजीव श्रीवास्तव जी, ऋषभ शुक्ला जी, मोन्ट्रेस सर, और नीलम श्रीवास्तव जी, रंजना श्रीवास्तव जी, मिश्रा जी, जितेन कुमार सिंह जी, गोपाल घोष, थैंक यू दादा, और सुजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और कुछ लोगों का स्लाइड नहीं आ रहा है तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। प्रिया राजपूत जी हैं, और सभी का तहे दिल से आभार मेरी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी सभी हजरात को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत इजाजत देंगे साहब, फिर शाम को 6 बजे इस लाइव सेशन में जुड़ेंगे फिर किसी खास शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, और सर का यूट्यूब चैनल आशुतोष श्रीवास्तव गजल के नाम से आप सर्च करके इन हफ्तों के बीच का जो समय है ना उसे आप गानों के साथ बिता सकते हैं, बहुत अच्छे से गुनगुना सकते हैं, झूम सकते हैं मस्ती के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस लाइव सेशन को शेयर जरूर कर लीजिए। और आज का ये सेशन कैसा लगा, और कुछ अगर आप लोग हमें टिप्स भी देना चाहें जी बिल्कुल, कि इसमें हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जी बिल्कुल, तो उस मैसेज का भी मुझे इंतजार रहेगा जी। आप जो भी चेंजेस चाहते हैं या कोई भी रिक्वेस्ट है आपकी तो आप उसे लाइव सेशन के अलावा भी कमेंट करिए, मैसेज करिए, कहीं पे भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सर के सोशल मीडिया हैंडल पे कीजिए और हम लोग उसको लाने की कोशिश करेंगे, कोशिश करते हैं, देखते हैं इसमें हम लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं। मुझे मैसेज मत कीजिएगा, मेरे बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, झंपाट लौंडे सबकी बात नहीं मानता
सर की बात मान लेता हूँ सर, अब मुझे अपना शिष्य बना ही लीजिए। और चलते हैं और इसी वादे के साथ कि अगले शनिवार को शाम 6 बजे सर हम मिल रहे हैं ना। डेफिनेटली। तो सर एक बार आप बोल दीजिए लोगों से कि इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए और अगले शनिवार को हम लोग किसी एक शख्सियत के नगमों के साथ लाइव रहेंगे। आप सबका बेसब्री से इंतजार सर, रहेगा। डैडी जी कह रहे हैं एक तबलिस्ट को रखा जाए तो मजा आ जाए। वो थोड़ा सा जो है सबकी व्यस्तताएं होती हैं और इस आपने कहा है कि तबले वाले को, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी एक एपिसोड में हम लोग जो हम जब समय बहुत, हाँ, पाए तो जब हम उनको, कोशिश करेंगे, हाँ, उनको भी हम लोग ले आएंगे। और ये तो है संगत की चीज है, जी बिल्कुल, है ना। तो इसको हम लोग फॉलो करेंगे, जी बिल्कुल, कैसे क्या हम लोग इसको और बेहतर बना सकते हैं। एक बार फिर से रंजीत सिंह आफताब जी का बहुत 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 आभार आभार और धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।